गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ लगातार यात्रा पर रहते थे। उन्होंने नियम बनाया था कि मॉनसून के मौसम के दौरान उन 2.5 महीनों के लिए आप एक ही जगह पर रह सकते हैं। उन सन्यासियों और भिक्षुओं के लिए जो उनके साथ थे, एक नियम था कि आपको 2 दिन से ज्यादा किसी भी जगह पर नहीं रहना चाहिए। आमतौर पर भिक्षुओं को कई घरों में आसरा दिया जाता था, इसलिए उन्होंने ये नियम बनाया कि 2 रात से ज्यादा आप एक घर में नहीं रह सकते, वरना उस परिवार पर काफी बोझ पड़ेगा। वो 10 लोगों को आसरा दे रहे हैं, आप वहां 1 महीने के लिए मत रुकिए, सिर्फ 2 दिन। होना तो ये 1 दिन चाहिए था, लेकिन 2, इसलिए क्योंकि आप इतना लंबा सफर तय करके आए हैं, थोड़ा आराम मिल जाए। लेकिन मानसून के मौसम के दौरान उन्होंने कहा कि 2 से 2.5 महीने तक आप एक ही जगह पर रह सकते हैं, क्योंकि मानसून के मौसम के दौरान जंगलों के रास्तों से होकर गुजरना खतरनाक होगा और कई लोगों की जान भी जा सकती है। तो ये एक ऐसा ही समय था, वो एक बड़े शहर में ठहरे और वो बहुत सारे घरों में रहने लगे। भिक्षु लोगों से भिक्षा मांगने के लिए बाहर निकले। आनंद या आनंद तीर्थ जिस नाम से उन्हें जाना जाता था, वो भिक्षु बनने से पहले गौतम के बड़े भाई हुआ करते थे, वो भी बाहर निकले। वहां शहर में एक वैश्या रहा करती थी, उसने आनंद को भिक्षा दी। उसकी तरफ देखा एक सुंदर जवान आदमी, लंबी कद काठी। उसने कहा, मैंने सुना है कि भिक्षु कई घरों में रहने की जगह ढूंढ रहे हैं, तुम मेरे यहां आकर क्यों नहीं रहते? आनंद ने कहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे बुद्ध से पूछना होगा कि मुझे कहां रहना चाहिए। तब उसने उसे ताना मारते हुए कहा, ओह, तुम अपने गुरु से पूछने वाले हो, जाकर पूछो, मैं भी देखूं कि वो क्या कहते हैं। तो आनंद अपने दिन भर की भिक्षा लेकर वापस पहुंचे। गौतम बैठे थे, वो आए और उन्होंने भिक्षा उनके चरणों में रख दी। सारे लोग जहां भी जाएं, उन्हें भोजन और रहने की जगह का इंतजाम करना था। तो आनंद ने पूछा, इस तरह ये महिला मुझे न्योता दे रही है, क्या मैं वहां रह सकता हूँ? गौतम ने कहा, अगर वो आपको इतने प्यार से आमंत्रित कर रही है तो आपको वहां जाकर रहना चाहिए। शहर के लोग जो वहां बैठे थे, उन्होंने कहा, क्या एक सन्यासी जाकर एक वैश्या के घर में रहेगा? बहुत हो गया। ये आध्यात्मिक प्रक्रिया भ्रष्ट हो गई है। गौतम ने उन्हें देखा और कहा, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? वो महिला इन्हें न्योता दे रही है, इन्हें वहां रहने दीजिए, इसमें परेशानी क्या है? वो सभी खड़े होने लगे और उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, रुकिए, मैं इस मार्ग पर हूं क्योंकि मुझे लगता है कि ये जीने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। अब आप मुझसे कह रहे हैं कि उसके तरीके मेरे तरीकों से ज्यादा शक्तिशाली हैं? अगर यही सच है तो मैं भी जाकर उसके साथ शामिल हो जाता हूं। मैं यहां हूं क्योंकि मुझे लगता है कि यह जीने का सबसे अनमोल और शक्तिशाली तरीका है। अगर आपको लगता है कि उसके तरीके मेरे तरीकों से बेहतर हैं, तो मुझे भी वहां जाकर शामिल हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक सच्चे साधक हैं तो ऐसा ही होना चाहिए। अगर आपको कहीं ज्यादा ऊंची चीज मिलती है तो आपको वहां जाना चाहिए। फिर लोग चिल्लाने लगे और कुछ लोग चले भी गए। फिर आनंद गए और उसके साथ रहने लगे। मॉनसून का समय था, बारिश की वजह से ठंड बढ़ जाती है। आनंद ने पतली सी धोती पहनी हुई थी, तो उसने उन्हें एक अच्छा सा रेशम का कपड़ा दिया, उन्होंने खुद को ढक लिया। तब लोगों ने देखा, देखो वो तो गया। उसने बढ़िया खाना बनाया और उन्हें परोसा, उन्होंने खा लिया। फिर शाम को उसने उनके लिए नृत्य किया, वो बैठे रहे बहुत ध्यान से देखते हुए, पूरी सतर्कता के साथ। फिर जब लोगों ने संगीत सुना, अब तो खेल खत्म। चीजें ऐसे ही चलती रहीं। जब वक्त खत्म हो गया, जब बारिश बंद हो गई, जब जाने का वक्त आया, तब आनंद गौतम के पास आए और उनके साथ एक महिला भिक्षु थी।
तो द पावर ऑफ बीइंग ऑन द पाथ ऑफ ट्रूथ हैज बीन देयर। सत्य के मार्ग पर चलना हमेशा से शक्तिशाली रहा है, लेकिन कई बार ये ऊंचाइयों तक पहुंचा है पर कभी मुख्य धारा नहीं बना। मैं देख रहा हूं कि आज कम्युनिकेट करने की हमारी क्षमता की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से, इंसान की चाहत, सत्य को खोजने की इंसान के अंदर की स्वाभाविक चाहत, ये कोई सिखाई हुई चीज नहीं है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो लोगों को सिखाई गई है कि आपको सत्य की खोज करनी चाहिए। ये इंसानी बुद्धि के लिए स्वाभाविक है कि वो सबसे ऊंची चीज को खोजती है। किसी भी इंसान को अगर एक मौका दिया जाए ये चुनने का कि या तो यहां रहिए या वहां, तो वो हमेशा कहेगा मैं वहां रहना चाहता हूं। अभी हो सकता है कि वो यहां फंसा हुआ हो, पर उसकी इच्छा हमेशा सबसे ऊंची जगह पहुंचने की होती है। बात सिर्फ इतनी है कि हमें उसे दिखाना होगा कि शराब के नशे से ऊंची चीज भी होती है, ड्रग से ऊंची चीज भी होती है, सामाजिक नाटक में फंसने से ऊंची चीज भी होती है, और किसी से बेहतर बनने की होड़ में भागने से ऊंची चीज भी होती है। हमें बस उसे यह दिखाना होगा, हमें उसे यह समझाना होगा कि एक ज्यादा ऊंची संभावना मौजूद है। हमेशा से बहुत से ऋषि, संत, योगी और गुरु ऐसा करते आए हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, वो सज्जन लोग थे, उनके पास मेरे जैसी आवाज नहीं थी। उनके पास माइक्रोफोन नहीं था। उनके पास ऐसे उपकरण नहीं थे जिनसे वो दूर किसी से बात कर सकते। वो सिर्फ इतने ही लोगों से बात कर पाते थे। इसके बावजूद उन्होंने जबरदस्त काम किए। उस समय के हालातों में उनमें से कईयों ने कृपा और ऊर्जा के माध्यम से जबरदस्त काम किए। उन्होंने अपने आसपास के लाखों लोगों को रूपांतरित किया। उन्होंने अपने आसपास के लाखों लोगों को सत्य के मार्ग पर अग्रसर किया और सत्य की शक्ति का एहसास कराया। पर अब वक्त आ गया है जहां कम्युनिकेट करने की हमारी क्षमता इतनी बढ़ गई है कि हम सत्य को घर घर तक पहुंचा सकते हैं। हम सच को हर किसी के दिलो दिमाग तक पहुंचा सकते हैं। इससे पहले कभी यह मुमकिन नहीं था। टेक्नोलॉजी ने हमें यह सहूलियत दी है। मुझे लगता है कि यह सत्य को मुख्य धारा बनाने का सबसे अच्छा समय है। ये सच्चे बनने को, सच जानने की अभिलाषा रखने को और सच की खोज करने को इस ग्रह की सबसे बड़ी ताकत बनाने का अच्छा समय है, क्योंकि हमारे पास ऐसे साधन हैं जो पहले किसी के पास नहीं थे।